फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही मैं बात करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में तो डायरेक्टर की बात की तो डायरेक्ट डा 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 किया है पीटर जैक्सन ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फिलीपा बोसन ने पीटर जैक्सन ने एंड गुलिरमो डेल टोरो ने और यह मूवी एक रीमेक है द हॉबिट मूवी का द हॉबिट मूवी एक आप सीरीज मान सकते हो उसकी आपको काफी और मूवीज देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात की तो द हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्विट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा जा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है एंड्री जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑल्सन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शौर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइन सिने मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग फिल्म्स फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन सिक्सटी इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले अगर बजट की बात की जाए तो, तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी का बजट दो से लेकर तीन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करेक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना है। बिल्बो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ, हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिल्बो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज़ यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिल्बो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चालाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने, पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही बीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्यों में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आर्मस्टेन और यान मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख? देखनी चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द दाहवाट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्राइप्शन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर मेरे रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो

देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात किया तो द हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्विट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है एंड्रयू जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑलसन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शॉर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइंड सिने मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंगनेट फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन मिनट्स इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले दो सौ से बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करैक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना चाहता है बिलबो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ, हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिलबो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज़ यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिल्बो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चलाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्यों में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए की, की एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आर्मस्टेन और यान मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखा? देखनी चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द हवर्ट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना सो so अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी सो so अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए सो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्राइपन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में बात करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस इस मूवी मूवी की टीम टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी ने इस को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी से सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में तो डायरेक्टर की बात की फिलीपा बोसन ने पीटर जैक्सन ने एंड गुलिर डेल टोरो ने और यह मूवी एक रीमेक है हॉबिट मूवी का द हॉबिट मूवी एक आप सीरीज मान सकते हो उसकी आपको काफी और देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात की तो द हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्वेट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है एंड्रयू जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑल्सन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शॉर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइन सिनेमा मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग फिल्म्स फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन मिनट्स इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले अगर बजट की की बात जाए तो, द हॉबिट एंड तीन सौ पंद्रह का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करैक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना है। बिल्बो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ, हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिलबो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिलबो की इस हैरत हैरत अंगेज यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिलबो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चालाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने, पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, द, बना दिया, लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्य में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आर्मस्टेन और इयान मकलेलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख देखनी चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द हवर्ट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए सु मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्रैक्शन के साथ है, तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में बात करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में तो डायरेक्टर की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी का डायरेक्ट दा दा किया है पीटर जैक्सन ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैन बालस ने फिलि, फिलिपा बायोसन ने पीटर जैक्सन ने एंड गुलिर ने और यह मूवी एक रीमेक है द हॉबिट मूवी का द हॉबिट मूवी एक आप सीरीज मान सकते हो उसकी आपको काफी और मूवी देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात किया तो द हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्वेट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा वुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है एंड्रयू जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑल्सन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शॉर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइंड सिने मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग नेट फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन सिक्सटी इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले अगर बजट की बात की जाए तो, द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी का बजट दो से लेकर तीन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करैक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना चाहता है। बिल्बो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिलबो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज़ यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिलबो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चालाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्यों में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आमस्टेन और ईन मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख? देखनी चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द हवर्ट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना सो so अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्राइब्शन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो

देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात किया तो हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की कि कि हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्वेट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है एंड्र्यू जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑल्सन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शॉर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइन सिनेमा मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग फिल्म्स फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका 169 मिनट्स इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस

पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करैक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना है। बिल्बो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ, हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिलबो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिल्बो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चलाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्य में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आमस्टेन और यान मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द हवर्ट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना सो so अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्रैक्शन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में बात करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी से सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में तो डायरेक्टर की बात की तो डायरेक्ट डा 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 किया है पीटर जैक्सन ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैन बोसन ने फिलि फिलिपा बायोसन ने पीटर जैक्सन ने एंड गुलिर डेल टोरो ने और यह मूवी एक रीमेक है द हॉबिट मूवी का द हॉबिट मूवी एक आप सीरीज मान सकते हो उसकी आपको काफी और मूवी देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात की तो प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्विट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एल जा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है एंड्री जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑल्सन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शौर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइन सिने मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग फिल्म्स फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन सिक्सटी इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले अगर बजट की बात की जाए तो, तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी का बजट दो से लेकर तीन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करेक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना है। बिल्बो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ, हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिल्बो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज़ यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिल्बो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चालाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने, पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्य में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आर्मस्टेन और यान मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख? देखनी चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द दाहवाट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना सो so अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्रैप्शन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर मेरे रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो

देखने को मिल जाएंगी। एंड प्रोड्यूसर की बात किया तो द हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्विट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है एंड्रयू जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑलसन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शॉर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइंड सिने मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग फिल्म्स फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन मिनट्स इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले दो सौ से बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करैक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना चाहता है बिलबो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ, हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिलबो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज़ यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिल्बो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चलाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लाय को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्यों में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए की, की, की एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आमस्टेन और यान मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख नहीं चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द हवर्ट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी सो अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए सो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्राइपन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में बात करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे की के बारे बारे में में एंड इस मूवी की टीम भी आपको, में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में तो डायरेक्टर की बात किया तो द हॉबिट अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी का डायरेक्ट डा किया है, है फिलीपा बोसन ने पीटर जैक्सन ने एंड गुलिर डेल टोरो ने और यह मूवी एक रीमेक है द हॉबिट मूवी का द हॉबिट मूवी एक आप सीरीज मान सकते हो उसकी आपको काफी और मूवीज देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात किया तो हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्वेट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है एंड्रयू जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैविज ऑल्सैन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शॉर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइन सिनेमा मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग फिल्म्स फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन मिनट्स इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले अगर बजट की की बात जाए तो, द हॉबिट एंड तीन सौ पंद्रह का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करैक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना है। बिल्बो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ, हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिलबो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिलबो की इस हैरत हैरत अंगेज यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिल्बो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चालाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्य में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आर्मस्टेन और इयान मकलेलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख देखनी चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द हवर्ट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना सो so अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए सु मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्राइप्शन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में बात करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में तो डायरेक्टर की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी का डायरेक्ट डा 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 किया है पीटर जैक्सन ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैन बालस ने फिलि फिलिपा बायोसन ने पीटर जैक्सन ने एंड गुलिरमो डेल टोरो ने और यह मूवी एक रीमेक है द हॉबिट मूवी का द हॉबिट मूवी एक आप सीरीज मान सकते हो उसकी आपको काफी और मूवी देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात की तो द हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्वेट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा जा वुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है एंड्र्यू जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जेबन जैवज ऑल्सन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शॉर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइंड सिने मा मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंगनेट फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी 28 नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग

एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करेक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना चाहता है। बिल्बो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिलबो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज़ यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिलबो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चालाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्यों में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आमस्टेन और यान मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख? देखनी चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द हवर्ट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना सो so अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्राइब्शन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में बात करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो

देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात की तो द हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की है कि हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्वेट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है एंड्र्यू जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑल्सन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शॉर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइन सिनेमा मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग फिल्म्स फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन मिनट्स इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले अगर बजट की बात की जाए तो तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी का बजट 200 से लेकर 315 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1 बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करैक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना चाहता है बिलबो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिलबो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिल्बो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चलाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्य में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आमस्टेन और यान मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द हवर्ट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना सो so अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी सो so अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्रैक्शन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में बात करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जी से सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में तो की बात किया है तो फ्रैन बालस ने फिलीपा बायोसन ने पीटर जैक्सन ने एंड गुलिर डेल टोरो ने और यह मूवी एक रीमेक है द हॉबिट मूवी का द हॉबिट मूवी एक आप सीरीज मान सकते हो उसकी आपको काफी और मूवी देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात की तो प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर्म, अर्मी देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्विट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा जा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है एंड्री जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑल्सन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शौर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइन सिने मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग फिल्म्स फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज uh, आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन सिक्सटी इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले अगर बजट की बात की जाए तो, तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी का बजट दो से लेकर तीन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करेक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना है। बिल्बो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ, हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिल्बो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज़ यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिल्बो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चालाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने, पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही बीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्यों में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आर्मस्टेन और यान मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख? देखनी चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द दाहवाट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना सो so अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्रैप्शन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर मेरे रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो

देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात किया तो द हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्विट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है एंड्रयू जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑलसन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शॉर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइंड सिने मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंगनेट फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन मिनट्स इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले दो सौ से बात की जाए तो, तो, की की तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करैक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना चाहता है बिलबो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ, हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिलबो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज़ यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिल्बो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चलाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्यों में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए की, की एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आर्मस्टेन और यान मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखा? देखनी चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द हवर्ट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना सो so अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी सो so अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए सो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्राइपन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में बात करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी मूवी की की स्टोरी के बारे की के बारे बारे में में एंड इस इस टीम टीम भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी से सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में तो डायरेक्टर की बात किया।, तो एन का डा 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 किया है पीटर जैक्सन ने एंड फिलि, गुलिर डेल टोरो ने और यह मूवी एक रीमेक है हॉबिट मूवी का द हॉबिट मूवी एक आप सीरीज मान सकते हो उसकी आपको काफी और देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात की तो द हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयन मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्वेट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है एंड्रयू जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑल्सन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शॉर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइन सिनेमा मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग फिल्म्स फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन मिनट्स इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले अगर बजट की की बात जाए तो, द हॉबिट एंड तीन सौ पंद्रह का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करैक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना है। बिल्बो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ, हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिलबो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिलबो की इस हैरत हैरत अंगेज यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिलबो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चालाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने, पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, द, बना दिया, लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्य में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आर्मस्टेन और इयान मकलेलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख देखनी चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द हवर्ट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना सो तो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो तो अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए सु मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्रैक्शन के साथ है, तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में बात करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में तो डायरेक्टर की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी का डायरेक्ट दा दा किया है पीटर जैक्सन ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैन बालस ने फिलि फिलिपा बायोसन ने पीटर जैक्सन ने एंड गुलिर ने और यह मूवी एक रीमेक है द हॉबिट मूवी का द हॉबिट मूवी एक आप सीरीज मान सकते हो उसकी आपको काफी और मूवी देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात किया तो द हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्वेट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा जा वुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है एंड्र्यू जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जेबन जैवज ऑल्सन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शॉर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइंड सिने मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग नेट फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन सिक्सटी इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले अगर बजट की बात की जाए तो, तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी का बजट दो से लेकर तीन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करैक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना चाहता है। बिल्बो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिलबो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज़ यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिलबो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चालाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्यों में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आमस्टेन और ईन मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख? देखनी चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द हवर्ट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना सो so अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्राइब्शन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी से सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में तो डायरेक्टर की बात किया तो हॉबिट मूवी का डा 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 किया है पीटर जैक्सन ने एंड गुलिरमो डेल टोरो ने और यह मूवी फिलि एक रीमेक है आप सीरीज मान सकते हो उसकी आपको काफी और देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात की तो द हॉबिट मूवी को प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की है कि हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्वेट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है एंड्र्यू जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑल्सन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शॉर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइन सिनेमा मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग फिल्म्स फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका 169 मिनट्स इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस

पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करैक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना है। बिल्बो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ, हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिलबो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिल्बो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चलाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्य में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि की, की एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करेक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आमस्टेन और यान मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द हवर्ट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना सो so अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्रैक्शन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिर फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में काफ़ी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं लेकिन उनको यह मूवी कहीं देखने को नहीं मिलती सो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी वैसे तो यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी आज भी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो साथ ही में बात करेंगे द हॉबिट द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की स्टोरी के बारे में एंड इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की टीम से तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी से सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में तो की बात किया तो फ्रैन बालस ने फिलीपा बायोसन ने पीटर जैक्सन ने एंड गुलिर डेल टोरो ने और यह मूवी एक रीमेक है द हॉबिट मूवी का द हॉबिट मूवी एक आप सीरीज मान सकते हो उसकी आपको काफी और मूवी देखने को मिल जाएंगी एंड प्रोड्यूसर की बात की तो प्रोड्यूस किया है कारोलिन कुनिगम ने एंड जेन वेनर ने फ्रान बॉल्स ने पीटर जैक्सन ने और यह मूवी में एक्ट्रेस की बात की है कि द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड यर्नी मूवी में आपको कौन से एक्टर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले लीडिंग रोल में अयान मैकलैनन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे मार्टिन फ्रीमैन देखने को मिल जाएंगे रिचार्ड अर अर्म, देखने को मिल जाएंगे जेम्स नेस्विट देखने को मिल जाएंगे कैन स्टॉट केट ब्रांचेट आयन हॉलम देखने को मिल जाएंगे क्रिस्टोफर ली देखने को मिल जाएंगे हुगो बेबिंग देखने को मिल जाएंगे एलजा जा बुड देखने को मिल जाएंगे एंड एंडी सर्किस देखने को मिल जाएंगे सिनेमाइटोग्राफी की बात की है तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है एंड्री जैसनी ने और इस मूवी का एडिट किया है जैबन जैवज ऑल्सन ने और इस मूवी का म्यूजिक किया है हॉवर्ड शौर ने और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है न्यू लाइन सिने मेट्रो गोल्डमैन मेयर पिक्चर्स एंड विंग फिल्म्स फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने और यह मूवी रिलीज हुई थी अट्ठाईस नवंबर 2012 को और यह मूवी यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर 2012 को और यह मूवी इसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी डब देखने को मिल जाती है और यह मूवी जो रनिंग टाइम है इसका वन सिक्सटी इसका रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा तो आप बात कर लेते हैं द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का रहा था तो सबसे पहले अगर बजट की बात की जाए तो, तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी का बजट दो से लेकर तीन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बिलियन डॉलर का रहा था तो आपको पता चल गया है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड आपको पता चल गया है इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस यह मूवी बनाई गई थी तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको यह मूवी इस मूवी में देखने को मिल जाएगी ताकि आपको पता चल पाए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए शुरू से आखिर तक फिल्म बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है बिल्बो का करेक्टर मार्टीन फ्रीमैन ने निभाया है बिल्बो अब सौ साल से ज़्यादा का हो चुका है वह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोमांचक जर्नी को एक किताब के माध्यम से सभी के सामने लाना है। बिल्बो का मकसद अपनी इस जर्नी को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो सभी को हर फ, हर पल नए रोमांच का एहसास दे, दे सके बिल्बो अपनी साठ साल पहले की एक रोमांचक जर्नी के बारे में बताता है पूरी फिल्म बिल्बो की इस हैरत हैरत अंगेज़ यात्रा को मज़ेदार ढंग से पेश करती है इस सफ़र के दौरान बिल्बो का अपने साथियों से साथियों से बिछड़ने का दर्द इमोशनल रिश्ते की शुरुआत चालाकी और जीत की खुशी के एहसास को पेश किया गया है तो यह आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो डायरेक्टर की बात की जाए मतलब कि कैसा डायरेक्शन इस मूवी में किया गया है तो पीटर ने पहले ने पहले से इस फिल्मों को दो पार्ट में बनाने का फैसला कर लिया था ऐसे में उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को पौने तीन घंटे का बना, बना तो दिया लेकिन बिल्बो की रोमांचक कहानी की रफ्तार नई जगह सत्तर हो जाती है बेशक पीटर फिल्म के इस पार्ट में कहानी की शुरुआत कर रहे थे ऐसे में कहानी की धीमी रफ्तार की वजह समझ आती है लेकिन कहानी को समझाने का अंदाज भी काफी धीमा हो जाता है जो ऐसी रोमांचक फिल्म की लायक को कम करता है वही पीटर ने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर जबरदस्त मेहनत की है खासकर जंग के दृश्य में उन्होंने जिस कुशलता से बेहतरीन लेटेस्ट साउंड का इस्तेमाल किया है वह लाजवाब है एक्टिंग की बात की जाए कि एक्ट्रेस ने किस कैसा काम किया है इस मूवी में तो बिल्बो के किरदार में मार्टिन फ्रीमैन का बेहतरीन अभिनय फिल्म की जान है लगभग पूरी फिल्म में बिल्बो के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे में मार्टिन के करैक्टर के सामने कोई दूसरा कलाकार अपनी दमदार पहचान दर्ज नहीं कर पाया वैसे अन्य भूमिकाओं में रिचर्ड आर्मस्टेन और यान मकलैलन के प्रभावित किया है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देख? देखनी चाहिए अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको सपनों की दुनिया में रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप द दाहवाट मूवी को जरूर से देख सकते हो आपको यह मूवी निराश नहीं करेगी सो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना सो so अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सो so अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और नए मूवी अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नए मूवी के बॉक्स सब्सक्राइप्शन के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम